नमस्कार यूटी पर फेस है ब्लैक बुल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रेड बुल आपने सुना होगा, ये ब्लैक बुल है। नमस्कार यूट्यूब परिवार, नमस्कार एलिफेंट। इधर आ जाओ, वो भी इधर आ जाओ, वो भी यहाँ जाओ। नमस्कार यूट्यूब परिवार, और यह है जुरासिक पार्क से। तो इनका जो काम है मेन, वो है बकवास करने का, चरी खाने का, और थोड़ी बहुत देखा होगा निक जोन्स आता है। तुम्हारा काम है वो, जाता है फूड ब्लॉगर के ठेले पे ना मार खा के आता है। इस आदमी को पकड़ कर शक्ल दिखा दूंगी इसकी, जहां भी मिले फूड काट दियो, सिस्टम हैंग कर देंगे इसका भी, इसका भी सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे इसका। तो ऐसा फूड ऐसा फूड कि किसी ने कुट्टी ना होगी, सीना सोची ना होगी। गाइस तो हां सॉरी बोल गई, मतलब मैं वही बोली, मैं बोलना क्या था। नमस्कार यूट्यूब परिवार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, और हम भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बढ़िया हैं, जरूरत से ज्यादा बढ़िया हैं। कुछ लोग आ रखे हैं मेरे आसपास इर्द गिर्द, जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। एक्चुअली इसलिए आए हैं हमने ना, जो ये डियर पार्क होते हैं ना, वहाँ पर बड़े से बड़े जानवर देखे हैं, लेकिन ऐसे जानवर नहीं देखा हमने। किस किस को मैं जानवर लगती हूँ कोई मत बताना, ये नहीं कहूंगी की कॉमेंट में लिखो मत लिखो। बुराई तो मैं रोज सुनती हूँ यार, मैं थक चुकी हूँ दुनिया के तानों से। दुनिया मुझे इतने ताने मारती है, यहाँ देखो शाबाश। अब टॉयलेट में भी ऐसा है, बेइज्जती मार दिया यार। वो तू नीसा का लौंडा हो गया, ऐसा कपड़ों में टोक लगा, लोग बेइज्जती मारेंगे यार मेरी। नंबर वन पापा के परी के बाद पेश है मम्मी का बारह सिंगा। इसका बड़ा जिग जिग गे। टॉयलेट में कैसा लगा सबको बताओ, फोन वैसे कर दो बेटा। अच्छा फोन चला लो। चलो आज हम जानेंगे, आज के ब्लॉग में हम सबका स्कूल एक्सपीरियंस जानेंगे, किसने कैसी पढ़ाई की और किस चीज़ में कर दी पढ़ाई इसने भी। आज हम पता करेंगे किस किस को किस किस चीज का अवार्ड मिला, और मैं बताऊंगी। ये टूटी नहीं है ऊपर से, पता नहीं कैसे हमारी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, कब तक टकराई है किसी चीज से पता ही नहीं चला। ओ कब टकराई, इतने बुद्धि में टकरा गए, इससे तो टकरा गई नहीं। बाबू मेरा फोन है वो, उसे मत छूना। गाइस तो आज हम जानेंगे कि स्कूल में सबको किस, अरे कोई सुन लो इसको भी, स्कूल में सबको किस किस चीज के अवार्ड मिले हैं। आज इस वीडियो में सबका पता करेंगे, और कौन किस चीज में माहिर था, किसने क्या किया, स्कूल के दिनों को आज याद करेंगे। तो जल्दी से वीडियो में बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और कुछ, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। फिर भी जब लास्ट मंथ विदाई हुई ना हमारी, मेडल बनाया गया दोनों। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? स्कूल वाले कितने भोले बेचारे हैं। संस्कारी का और उसे उसे किसका दिया, दोनों चीज का संस्कारी का वोट। तुम दोनों को संस्कारी का वोट, तुम गाँव के सबसे बत्ता भी लड़ गए हो। इनके प्रिंसिपल डर गए डर कि भाई इन्हें पढ़ाना जरूरी है, आतंक मचा दी। हाँ भाग गई हो, खिड़की तुझे किस चीज का अवार्ड मिला, तुझे किस चीज का अवार्ड मिला आज तक? खाना बनाने का। अवार्ड थोड़ी मिला, डांस का मिला था मुझे, अनुपमा बनने का अवार्ड मिला है मुझे, अनुपमा बनने का अवार्ड मिला है। अरे इसे किस चीज का अवार्ड मिला, नंगे पंगे को गिरने का अवार्ड मिला, इसका तो कोई नहीं गिरता मुझे लग रहा। उल्की तुम्हें कौन सा अवार्ड मिला? मेरे को मिला है डिसिप्लिन में रहने का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, डिसिप्लिन। बस हो गया, हो गया, बैठ जाएगा। इससे ज्यादा डिसिप्लिन मैंने कहीं नहीं देखे। लॉल, तुम तो लॉल हो, लॉल कह रहे मुझे मिला डिसिप्लिन में। अरे पता मुझे कैसा अवार्ड मिला पहला, वो इन्हें जो अवार्ड मिला है वो मिला है मुंह चोरी का। अब मुझे जो अवार्ड मिला ना सच बताओ, मुझे सच सच में अवार्ड मिला था ना एक बार,
तो मेरे पापा का स्कूल था तो मेरे पापा अवार्ड। हाँ तो अपना स्कूल था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मेडल तो मेडल ही मेडल ही मेडल। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैंने कहा पापा मुझे अवार्ड चाहिए, मेरे पापा ने रातों रात इंतजाम करा अवार्ड दिलवाना छोड़ा मुझे। ये तो ये पता है क्या कोई बात होगी, मैं थी बिगेस्ट फेलियर। स्कूल में लेट जाते हो ना, क्यों ना लेट ना जावे थी मैं। कोई टीचर बोलता है कुछ नहीं, नहीं। क्यों स्कूल ही अपना था साला, बोलता ही कैसे है। क्या चोरी होती है सब बच्चों के अंदर। तुम स्कूल वालों मेरी बात सुनो जरा, स्कूल का टाइम ना 10 बजे का रखे और हम बालक लेट उठे करते थे। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई है। स्कूल में 7 बजे बुला लिया, भैया हमारी नींद पूरी ना हो तो हम क्या करते, हम टॉयलेट में कुंडी पकड़ के सो गए आराम से। तो वहाँ नींद पूरी कर लो भैया, कम से कम 15-20 मिनट की नींद पूरी हो जाती मेरी। और उसमें बता सही साहब था, सो गई। टीचर का मारा हुआ बच्चा हमेशा आभूषण ही बनता है। ये बात ध्यान रखना, हम देखो आभूषण कितने बड़े हमले, हम तो इतने गुटे फिर भी आभूषण ना बन पाए हम, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम कुटे ही नहीं भैया, हम पता था हम आभूषण भूषण कुछ नहीं बनने का हमारा, हम रोटी सेकेंगे जिंदगी भर, हमको पता था पहले से। इसलिए हमारे पापा ने डांटे टूटने में टाइम वेस्ट नहीं किया। एक बार ना मेरा 0 अंडा आया हम घड़ी पे, कुछ भी भैया 4-6 की बात होगी। तो मैंने बोला पापा इसमें साइन कर दो, पापा ने बोला मैं नहीं करने का। और भैया मैं बिदक गई, मैंने कहा लो मैं पढ़ने की ना आज के बाद, पापा ना मेरे बेटा पढ़ेगी सिग्नेचर करके दे दी। तो ये सिर पे चढ़ाया गया है, साफ साफ नजर आ रहा है इनकी बातों से। तो मतलब ऐसे बच्चों को प्यार से हैंडल करना, उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मैं 1 नंबर तो एटलीस्ट लेकर ही आऊं, मैं 0 अंडा ना लेकर आऊं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, अब भयंकर ये बात मत क्या, 8वीं में मेरे अच्छे नंबर आए थे। पूछ लगा अगर मैडम दिनेश सर कहीं देख रहे होंगे वीडियो, कभी देख ली इन फ्यूचर भी, आज तो सर कहीं देखेंगे टी वी, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। बस मेरा ना पढ़ाई में दिमाग थोड़ा सा कम रहा कर रहा था, नंबर तो हमारे भी ठीक ठाक आए, वैसे 34 तक आ जाते थे। एक बार क्या हुआ, नहीं मैं और मेरा एक फ्रेंड टीचर ने खड़ा किया, हम दोनों फेल। टीचर ने कहा तुम्हारे कितने नंबर आए, तो उसमें 30 वाला पास होता है, तो लगभग 15 मेरे आए थे 15 उसके आए थे। तो टीचर ने कहा दोनों मिला के हो गए, किसी ने पीछे से कमेंट किया ये होगा तो क्या दोनों। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं, भाईचारा। फिर हम भी चार पे तो नाम डाला है कि हम तुझे गिरा रहे हैं। झींगे खाने का बहुत मजा आता है, झींगे क्या हो, झींगे होते केकड़े होते, केकड़े टाइप के। छी तुम केकड़े भी खाते थे, अरे पापी भून के भून के तुझे कैसे खा लूंगा मैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, एक बार आए तो लेट जाएगी। हमारे दम की बात कर रही है, लेटने वाले में सुनाऊं मैं, लड़ाई हो जाएगी ब्लॉग में। चल आ जा, चल आ जा पंजा, आ जा पूरी जान लगा दूंगी। हां चुप भी लगा ले साइड से, चलो बोल लो ठीक है। 1 2 3 4 स्टार्ट, 5 पे हो, पर हमने 4 पे स्टार्ट कर दिया। बढ़िया ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मैं आधी जान लाऊंगा, कोई नहीं आधी ना, ना पूरी पे मत आ जाना, दादा दूध में भीजना लग जाना। तुम मुझे गिरा कर दिखा दो, तो लेकिन ना तो मुझसे है ना, पर तुम गिरा कर दिखा दो। नहीं तुम कोशिश तो करो, अबे चलो पूरी बेइज्जती करानी है मुझे। जब तक हम ये कर रहे हैं ना, आप जाके कमेंट करके बताओ कौन जीते हो। जल्दी से बता दो, मैं जल्दी से करो। लगा ले अपनी जान, लगा रखी। ये पता क्या लगा, जैसे सोचा ये ना माइंड गेम कि जैसे तू ताकत लगा देगी पूरी, फिर तो थक जाएगी, तो फिर सालों में अपना दाव खेलूंगा और पटाख चढ़ा लूंगा हाथ नीचे। तो ऐसे ही होता है। हाँ तो मैं करने की ना ब्लॉग हो जाइए कितना लंबा, मैं ना करने की, हाँ यही करने की, मेरे झटका मारने की, ये गलत चीज है गोल्डी, ये चीटिंग हो रही है ना। नहीं इन्होंने झटका मारा, दे 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 झटका मारा, और हाथ वो टूट टाट जाए जरा से मैं
हाथ टूट गया था एक का ऐसी लड़की का एक का, उसका हस्बैंड उसको पंजा लड़ा रहा था तो उसने झटके से मार दिया, हाथ टूट गया था उसका। पापा पैसे भरो यहाँ भी, ये उधर आ रहा है। सिस्टम हैंग करो यहाँ भी, यहाँ भी सिस्टम हैंग करो इसका जरा। आ गया ना सिस्टम, मिला दो तब मजा आएगा, ऐसा मजा ना रहा हमें। कैसा लगा पुरी की तुम्हें जीत? बिना जीत का खुशी नहीं हो रही, मुझे हार के खुशी हो रही। योगी आने वाले टाइम का है ये, देखो योगी उत्तराखंड का है, ये भी उत्तराखंड का है, ये यूपी से कनेक्टेड है, बाय बर्थ की माँ वहाँ की है, उसका बर्थ भी वहाँ हुआ है तो बाकी उत्तराखंड का, लेकिन ये धमाल वहीं मचाएगा यूपी में, आएगा कट्टर बनेगा कट्टर। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। योगी यो तेरा बाप आया।